दोस्तों, आपको अगर वेट कम करना है अपना तो करना होगा ये काम। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटू को प्यार स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल निखिल माँ ब्लॉग में। तो आजकल मेरी चल रही है वेट लॉस जर्नी, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना फुल डे रूटीन, और जैसे कि सुबह से लेके डी अपना घर क्लीन कैसे करते हैं, कैसे करना है नाश्ता वास्ता, और रात के डिनर तक का जो मेरा रूटीन है पर डे का, तो मैं वो आपको आज शेयर कर रही हूँ। आप बने रहें मेरे साथ, तो नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चलो करते हैं कंटिन्यू। कितने सुंदर सुंदर पक्षियाँ घूम रहे आज यहाँ। मैंने जीरा भिगा रखा है, ये तो मैं अपने लिए पीऊँगी, और ये मैंने हस्बैंड जी के लिए मेथी के दाने भिगो रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने कल बनाया था दही, देखो बिल्कुल कैसे दही हो रखी है मस्त सी। ये देखिए, घर पे ही दही जमाने का यही फ़ायदा होता है, बहुत मस्त मिल जाती है। और ना ये दिन भर में ये तीन बोतलें भर के हैं, इनको मैं दिन भर में तीन बोतलें पी लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरा 3 लीटर पीने की, तो जितना पिया जाता है उतना पीती हूँ। तो मैं पहले से ही एक बोतल कैरी कर लेती हूँ, इन तीनों को भर लेती हूँ, और दिन भर में यही पानी पी। जीरा पानी पी लिया है, थोड़ा घूम के आ गए हैं, तो अब लेते हैं अपना गर्म पानी। घर से आने के बाद हमने पी लिया अपना पानी वानी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू का पराठा अपने बच्चे के लिए, स्कूल के लिए। तो यहाँ पर नाश्ता बन गया है आलू के पराठे, और यहाँ बन रही है हस्बैंड जी के लिए चाय। तो निखिल के लिए कर रही हूँ प्रोटीन शेक की तैयारी, जो मैं घर पर बनाती हूँ। ये ले लिया मैंने दूध, तो इसमें ये मिला दूँगी शक्कर, और इसमें मैं ये मिला देती हूँ ये छुआरे। ये देखिए, ये है मेरा बनाना। निखिल को दे रही हूँ नाश्ता, ये देखिए पराठा और ये बादाम और ये जो शेक बना रखा है, ये देख के आते। तो इधर हम जाने लगे स्कूल नाश्ता वास्ता करके, ये देखिए। तो दोस्तों, इधर रेस्ट वेस्ट कर लिया है, अब अपने कामों पे लगते हैं। स्कूल से आ गई हूँ मैं निखिल को छोड़ के, तो यहाँ पर मैं अब अपना काम कर रही हूँ। आज पंखे पे ना बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है, पंखे पे भी ना बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो आज मैं कर रही हूँ अपने पंखे साफ़। इधर देख सकते हैं, और पंखे साफ़ करने के लिए ना ये बहुत ही हाइट पर हैं, और यहाँ पर सीढ़ी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इधर मैं अपना इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ झूमर भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नीचे मैंने टेबल लगा दिया है, तो मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद आती है ये डस्टिंग की बारी, दीवारों में और खिड़कियों में बहुत सारी धूल हो जाती है। डेली डेली भी साफ करो ना, तो डेली डेली यहाँ पर धूल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सफाई कंटिन्यू, और साफ खिड़की विड़की और सोफा वफा सारा पोछ पाछ की करने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ के लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो बैठ के झाड़ू लगाने पोछा लगाने का ना ये फ़ायदा होता है, इससे भी हमारा वेट ना मैनेज रहता है, कम होता है। तो यहाँ पर अभी ये मेरा झाड़ू पोछा ये काम चल रहा है, और सारा काम करना होता है इसके, अगर एक हाउस वाइफ को हर चीज़ मेंटेन करना होता है, बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड जी को भी देखना है, घर बार भी देखना है। तो यहाँ पर मेरी आज हो रही है झाड़ू पोछा सफाई कार्य काम। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, और मैं यहाँ कारपेट बिछा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कारपेट सही करके उसको बिछाने का काम कर रही हूँ। अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि नहाने धोने का काम मैं लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि पहले निखिल को स्कूल जाना होता है, फिर हस्बैंड जी को जाना होता है ड्यूटी, तो उनको लेट ना हो तो पहले उनको लेके उनके लिए सारा काम कर। काम सारा होने के बाद यहाँ पर मेरे अब बन रहा है लंच हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ उनके लिए दाल, वो दाल खा के ही जाएंगे, दाल और रोटी। और इधर जो है दूध गर्म हो गया, इधर अभी आटा गूंदने को रखा हुआ है, मेरे आटा गूंथती हूँ और रोटी बनाती हूँ, मिलती हूँ आगे। हो गई है साफ़ सफाई सारे क्लीन, और ये सब कर दिया मैंने, और देख सकते हैं सारा यहाँ पर क्लीन हो गया, और यहाँ बेडरूम भी सारा मैंने क्लीन कर दिया है। तो आगे को फिर और बहुत काम है। मेरे आजकल वेट लॉस जर्नी चली हुई है ना, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ा सा हेल्दी सा ये शेक। इसमें मैंने ले लिए थोड़े से छुआरे, क्योंकि इसमें मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी, और ये ले लिए एप्पल, और ये बनाना, और ये मिल्क, तो इसका बनेगा शेक। तो यहाँ पर मैं दो जन के लिए बना रही हूँ, एक मैं हो गई और एक थोड़ा बहुत हस्बैंड जी को भी दे देती हूँ। तो इसको बना के फिर इसको पीते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड जी को कराती हूँ। सबसे पहले इसमें कर देते हैं दूध ऐड, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें मिला देते हैं। और मेरी जी ये बन के तैयार हो गया है, ये देखिए कलर कुछ इस तरह से आया है,
ये जैसे इसके कैल्शियम प्रोटीन सब हमारी बॉडी को मिलता है, ये देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मैंने चीनी नहीं डाली है। और ये ना मेरा बहुत टेस्टी बनता है सेब और दूध और केला डाल के। आप चाहो तो सेब, अगर केला नहीं पसंद तो सेब सेब का ही बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बना हुआ है और बड़ा मस्त रहता है, बड़ा यमी सा। मैं तो डेली लेती हूँ इसको। खाली होगी नाश्ते की तैयार। तो इसमें दही, इनको थोड़ा हरी मिर्च पसंद है तो दही, और ये दाल और ये रोटी। अब हम लेते हैं अपना ये शेक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं धो रही हूँ कपड़े। मैं थोड़ा कपड़े ना छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं हाथ से ही धोती हूँ, डेली डेली मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने से भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और यहाँ पर कपड़े मैंने धोने के बाद ना इनको ड्राई कर लिया, क्योंकि यहाँ पर धूप कम आती है तो यहाँ मैंने ड्राई कर लिया। अब यहाँ पर हो रहा है मेरा बर्तन धोने का काम, जो नाश्ता के बर्तन है तो उनको यहाँ पर वॉश कर लेते हैं। क्या ही बोले, मतलब सारा काम रहता है लोगों का, रहता है जब आप यार क्या करते हो घर में, तो देख सकते हैं अभी 12 बजने वाला है, तो अभी मेरा काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर जैसे ये काम खत्म होता है फिर दिन का लंच की तैयारी हो जाती है। फिर मेरे बर्तन धुल गए हैं। बर्तन धोने के बाद अब मैं ये डब्बा रहा और ये है चावल, तो कल जो चावल लाए थे इनको अब। तो दोस्तों यहाँ पर ना चावल बहुत महंगा आता है, 50-60 से नीचे कोई चावल नहीं होता। हमारे उत्तराखंड में ना सस्ता चावल मिल जाता है और यहाँ पर ना बहुत ही महंगा चावल मिलता है। मेरा डब्बे में आ गया है इतना। इधर लंच वंच बना के हम चले गए हैं बच्चों को लेने स्कूल, तो यहाँ पर हम स्कूल से लेके आ रहे हैं बच्चों को। तो दोस्तों आपको अगर वेट कम करना है अपना तो करना होगा ये काम। सिर्फ आपको खाना नहीं खाना है, रोटी सब्जी भर भर के खाओ, दालें भर भर के खाओ, बस आपको गेहूं की रोटी नहीं। तो इधर मैं अपना सलेट ले रही हूँ, इसको भी मैं 32-32 बार चबा 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 के ही खाती हूँ। और इसको ना मुँह में पानी बन जाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत फायदा होता है। दोस्तों दिन भर का लंच वंच ब्रेकफास्ट सब होने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं नोएडा स्टेडियम में। यहाँ पर जैसे मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है तो मैं उसको भी लेने आई हूँ, तो अभी यहाँ से उसको लेके चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। यहाँ रात होने लग गई है और अभी 6:30 ही हो रहा है, 7:15, तो रात होने लग गई है। यहाँ बना रही मैं आज भांग की चटनी। हाँ ये वही भांग है जो चढ़ता है हमारे शिव जी पे। तो ये देखिए ये मैं भून रही हूँ अभी, इसको ना तवे में भूनते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज अंडे की कढ़ी, अंडा कढ़ी, जो कि मैं नहीं खाती हूँ, और निखिल और हस्बैंड जी के लिए 4 अंडे बॉयल हो रहे हैं और ग्रेवी वाली अंडा कढ़ी बनेगी। मेरा भांग जो है भुन गया है, इसमें मैंने ले लिया है लहसुन अदरक और ये हरी मिर्च, तो इनको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, मिर्च, थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल देती हूँ इतना सा। देखिए ये है पहाड़ी पुदीना सुखाया हुआ, ये भी गाँव से आया था, मेरी बहन की पति ने भेजा था, तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। चटनी को खट्टा करने के लिए ये है नींबू, पकाया वाला नींबू, जो हमारे यहाँ चूक होता है ना बड़ा नींबू, उसको पका के फिर इसको बनाया जाता है, और इसको आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी ने भेजा था गांव से मेरे लिए, तो इसको खटास बढ़ाने के लिए और चटनी का स्वाद दुगना करने के लिए इसको मिलाते हैं। ढक्कन मैंने इसमें लिया और एक ढक्कन इसमें मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से बन गई चटनी। तो ये देखिए ये बन गई हमारी भांग की चटनी। अब इसको बोल में डाल देते हैं। ये देखिए इतना मस्त सा कलर आ रखा है और ये मस्त सा पीस भी गया है। अब करते टेस्ट, देखते मुंह में पानी आ रहा है, लेते थोड़ा बहुत। खट्टा भी ठीक है, नमक भी ठीक है। चटनी बन गई है और अंडे भी बॉयल हो गए हैं और सब्जी भी बन गई है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ निखिल के साथ थोड़ा निखिल का रिवाइज, सकते हैं ये भी ज़रूरी है वरना ये लोग पढ़ते नहीं है। और ये देखिए और यहाँ पे कराते थोड़ा बहुत इसका रिवाइज। बनने लगी है सब्जी, ये देखिए ग्रेवी बन के तैयार होगी, इनमें तेल ऊपर दिखने लग गया है। अब इसमें अंडे डाल दूँगी, अंडे मैंने पहले शैलो फ्राई कर रखे हैं, तो ये इस तरह से बन गई मेरी अंडा कढ़ी। तो ये देख सकते हैं ये बनने लग गई है, अब इस तरह से इसमें कलर आ गया है। तो दो जन के लिए बन रहा है तो बहुत है इतना। तो यहाँ हस्बैंड जी आ गए तो उनके लिए चाय बन रही है, उनको
चाय चाहिए होती है तो सबसे पहले ड्यूटी से आके तो यहाँ पे देखिए बड़ा मस्त सा बन गया अंडा करी रेडी। तो दोस्तों इधर हमारा खाना पीना हो गया है, डिनर भी हो गया है और अब हो रही है सोने की तैयारी और बर्तन वर्तन धोके हो गया। घड़ी में बज चुका है 11, अब सोते हैं क्योंकि सुबह 5 बजे उठना होता है। तो बाय बाय, गुड नाइट। और ये ब्लॉग मेरा सुबह आएगा तो अभी रात को ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो इसलिए गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। और हंसते रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें।